हेलो डियर स्टूडेंट, आइए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट 1, 1 टू 2, 3 इन अ प्लेन इन फोर्स फिल्ड विद पोटेंशियल यू इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस वाई। देखो, आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है ये, और आपको बोल रखा है कि आपको यहाँ से और यहाँ तक इस कोऑर्डिनेट तक जाने में वर्क डन कितना होगा। जैसा कि पहली बात तो यार, क्वेश्चन को सोल्व करते समय दो तीन बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कनेक्टेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस से कनेक्टेड होती है, केवल इन्हीं के लिए डिफाइंड होती है, है ना। इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड अगर मेरे को वर्क फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क इज इक्वल टू होता है एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जो एक्स वन वाई वन और जेड वन कोऑर्डिनेट पर है, और यहाँ से वो एक्स टू वाई टू एंड जेड टू कोऑर्डिनेट पर आता है, तो अगर मेरे को उसका डिस्प्लेसमेंट कभी निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट एंड फाइनल जेड कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल जेड कोऑर्डिनेट। देखो, ये तो तय हुआ कि मुझे जो एक्सप्रेशन यूज़ करना है, जो फॉर्मूला यूज़ करना है, वो ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो देखो, एक मैं तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ और इस इन्फॉर्मेशन से फोर्स निकाल लूँगा। तो जो मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट है वो कितना है, टू, एंड इनिशियल कितना है, वन, तो ये टू माइनस वन कर दिया। एंड वाई कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो फाइनल कोऑर्डिनेट है थ्री और इनिशियल कोऑर्डिनेट है वन, थ्री माइनस वन कर देता हूँ। जेड की यहाँ पे कोई बात है नहीं, सो ये आई के प्लस टू जे के हो गया। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। ये जो अभी तक की मेहनत है वो हमने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए करी है। डिस्प्लेसमेंट आ चुका है मेरे पास। अच्छा जी, अब मेरे को फोर्स देखना है यार। यू बराबर मेरे को दिया हुआ है के एक्स प्लस वाई। जब पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती है, मेरे को फोर्स निकालना होता है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है फिजिक्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। यहाँ पर मैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करता हूँ बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रही है। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे एक्स कंपोनेंट भी चाहिए होगा और वाई कंपोनेंट भी चाहिए होगा। एक्स कंपोनेंट जब मैं फोर्स का निकालूंगा तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तब सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा, बाकी सब चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। और इसी तरह से जो वाई कंपोनेंट है वो वाई कंपोनेंट निकाला तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डेल अपॉन डेल वाई, ये एक्स प्लस वाई। क्योंकि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना तो y को कांस्टेंट रखते हैं, और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x को कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे y को कांस्टेंट मानता हूँ तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो क्या ही रहेगा, x वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन वन हो गया एंड y का जीरो हो गया, तो मेरे को क्या मिल गया, माइनस के। और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x कांस्टेंट है, x का तो जीरो हो गया एंड y का डिफरेंशिएशन वन हो गया, तो ये कितना मिल गया मेरे को, माइनस के। सो मेरा फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया है वो आया है एफ एक्स, तब x कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स जो k है, एफ वाई जो ये भी k है। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, ये मेरे पास फोर्स आ गया, डन। अब देखो, मैंने फोर्स भी निकाल लिया है और मैंने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। नाउ इट्स टाइम कि मैं वर्क फाइंड आउट करूं। ये होता है वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फोर्स वेक्टर जो मैंने निकाला वो था माइनस के आई केप माइनस के जे केप, एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया था मेरा वो आया था आई केप प्लस टू जे केप। अब मुझे इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं गाइस, सबसे पहले जो एक्स के जो आई केप के जो कॉफिशियंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आई केप का कोफिशियंट माइनस के है और यहाँ पर वन है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, माइनस के। देन अब मैं जो जे केप के कोफिशियंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर वो माइनस के है और यहाँ पर वो टू है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू के। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो मेरा वर्क कितना निकल कर आया, माइनस थ्री के। आप इन ऑप्शन में देखेंगे तो यू विल गेट द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, एक बार मैं फिर से कलेक्टिवली बताता हूँ, क्या फॉर्मूले यूज़ करें मैंने, फोर्स को डेल यू अपॉन डेल एक्स से निकाला है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने एक्स टू माइनस एक्स वन आई केप
प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे के एफ का फॉर्मूला यूज़ किया, एंड वर्क निकालने के लिए मैंने एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर का यूज़ किया है। और मैंने आपको एक बात हमेशा बताई कि पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंसर्नड होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ में। ऐसे मतलब पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड और फोर्स पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे चैनल पे मिलेंगे, और आप बिल्कुल ये जो वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखिएगा, मैंने और भी बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, लिंक्स पर क्लिक करके आप अपने टॉपिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।